और हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। सर आपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि सब यूज किया जा रहा है एम से। हाँ वो तो दिखता है, आप देख लीजिए उसमें हम बोलने की क्या जरूरत है। पूरी मशीनरी, पूरी मशीनरी, चाहे मनी हो, चाहे मसल्स हो, चाहे मीडिया हो, थ्री एम्स, सब कुछ ममता दीदी के खिलाफ यूज किया जा रहा है। यूज या मिस यूज, जो आपको सही लगता है वो आप डाल दीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी में मुकाबला होता है, चुनाव में राज मुकाबला होता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल का मुकाबला मैं देख रहा हूं, वो लगता है कुछ अलग ही हो रहा है वहां। सर शिवसेना ने खुल के सपोर्ट किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या यहां से कुछ बड़े नेता जाएंगे वहां पर? नहीं, हमने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम देखेंगे क्या होता है वहां। लेकिन हम चाहते हैं कि वहां ममता दीदी फिर एक बार सत्ता में आए। सर यहां से कोई बड़े नेता शिवसेना के वहां पे जाके देखिए प्रचार करेंगे? हम प्रचार नहीं करेंगे जाकर, लेकिन मैं खुद कलकत्ता में जाऊंगा, डेफिनेटली बैठूंगा, लेकिन प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो है वहां प्रमुख, वो जरूर ममता दीदी के साथ, उनके लोगों के साथ काम करेंगे। सर मराठवाड़े के लिए ममता दीदी ने नक्कीच, आम्ही काही एक साधारण महिनाभरापूर्वी आम्ही एक असा निर्णय घेतला होता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून, की पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेनं उतरावं आणि साधारण 50 ते 60 जागा आम्ही लढवाव्यात। पश्चिम बंगालचे आमचे शिवसेनेचे प्रमुख लोक मुंबईतून आजही थांबलेले आहेत आणि त्यांची इच्छा होती लढावं, कारण इतके वर्ष 5-5 वर्ष काम केल्यावर जर निवडणूक आम्ही लढणार नसू तर कार्यकर्त्यांचं मनोबल खच्ची होतं। पण आता असं लक्षात आलं आहे, ज्या प्रकारचं युद्ध पश्चिम बंगालच्या भूमीवर आम्ही पाहतोय, की ममता दीदीला सत्तेवरून खेचण्यासाठी साम दाम दंड भेद, मग ज्याला 3M म्हणतो, मनी, मसल्स, मीडिया, या सगळ्याचा तुफान वापर सुरू आहे त्या एका महिलेविरुद्ध। हे पाहिल्यावरती आम्हाला असं वाटतं की तिथे आम्ही आता जाऊ नये निवडणूक लढण्यासाठी, आणि आमची जी ताकद आहे ती ताकद आम्ही ममता दीदीच्या बाजूनं उभी करावी, जेवढी आमची ताकद आहे ती उभी करावी, आमचे कार्यकर्ते त्या युद्धामध्ये उभे राहतील, काम करतील। पश्चिम बंगालच्या भूमीवर आजही ममता बॅनर्जी नावाची वागीण गर्जना करते आहे, आणि तिच्या गर्जनेला बळ मिळावं ही आमची भूमिका आहे। आणि नक्कीच या युद्धामध्ये ममता बॅनर्जी विजयी व्हाव्यात अशी आमच्या शुभेच्छा आहेत।